हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज हम लोग नेचुरल फूड कलर बनाएंगे और इस फूड कलर को बनाने के लिए हम सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें नेचुरल फूड कलर हमें किस तरह से बनाने हैं। फूड कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर बनाने के लिए ऑरेंजेस के छिलके लिए हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके ले लिया है, बारीक बारीक। मैंने यहाँ पर दो ऑरेंजेस के छिलके लिए हैं। आप जितना कलर आप बनाना चाहें उतने आप ऑरेंजेस के छिलके कट करके ले लें। इसके बाद ग्रीन कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ धनिया की पत्तियाँ ली हैं और इसके अलावा कुछ पालक लिया है। आप चाहें तो सिर्फ धनिया या फिर सिर्फ पालक ले सकते हैं। इसको हमें धूप में सुखाना है। मैं यहाँ पर आपको सुखाकर इन कलर्स को सुखाकर स्टोर करना भी इसमें बता रही हूँ, इसलिए आप इनको धूप में सुखा लें और स्टोर कर लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटी मीडियम साइज़ के चुकंदर को ग्रेट करके ले लिया है। इससे हमें रेड फूड कलर मिलेगा। अगर आप इनका डायरेक्ट रस निकालना चाहें, इंस्टेंटली आप इनको यूज़ करना चाहें, तो बस इन्हें डायरेक्ट आप मिक्सी में पानी डाल करके पीस लें और छान लें। आपका इंस्टेंट कलर तैयार हो जाएगा और इनको धूप में सुखाकर पाउडर बनाने से हम इन्हें 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की गाजर ली है। आप ऑरेंज गाजर ही ले लें, इससे बहुत अच्छा ऑरेंज कलर आएगा। अब हम इन सभी जो भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हमने छिलके लिए हैं, उन सभी को हम अच्छी तरह से धूप में सुखा देंगे और धूप में सुखाने के बाद हम इन्हें पीस कर तैयार करेंगे। ये देखिए 4 से 5 दिन लगे हैं मुझे अच्छी तरह से इनको सुखाने में और ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। देखिए बहुत अच्छे से ये सूख करके तैयार हो गई है। चुकंदर भी हमारी अच्छे से सूख गई है। अब हम इन्हें पीस करके पाउडर बनाएंगे। मैं आपको सारी अपनी वो दिखाती हूँ सब्जियों वेजिटेबल्स जो हमने ली थी फ्रूट्स। ये देखिए छिलके भी बहुत अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल अच्छे से टूट रहे हैं। ये देखिए धनिया और पालक भी कितना अच्छे से टूट करके बिल्कुल सूख करके अच्छे से टूट रहा है। ये देखिए हमारी गाजर भी कैसे सूख करके बिल्कुल बारीक पाउडर जैसे बन रही है। ये देखिए हमने चारों मसालों को अच्छी तरह से पीस लिया है। येलो, ऑरेंज और ग्रीन और चुकंदर वाला जो रंग कलर है, इसे जिससे रेड कलर आएगा, ये चारों हमने पीस करके तैयार कर लिए हैं। अब आप इन्हें चाहें तो डब्बे में भर करके साल भर या 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इन्हें किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप इनको स्टोर करके रख देते हैं उसके बाद जब आपको इनको यूज़ करना होता है तो आप इन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको इनको स्टोर करके रखना है तो आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख दीजिए और 6 से 7 महीने साल भर तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपको इंस्टेंटली इनको बनाना है, आप इनको सुखाना नहीं चाहते हैं, तो आप इन सभी जितने भी हमने चीज़ें ली उन सभी को पानी के साथ मिक्सी में पीस लें और इसके पानी को छान लें। आपका इंस्टेंट कलर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि पाउडर के रूप में हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। यूज़ करने के लिए आप थोड़े से पानी में पाउडर को मिक्स कीजिए। इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें अच्छी लेनी पड़ेगी, तभी हमारा जो फूड कलर है वो अच्छा बन पाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें केमिकल्स नहीं है, तो हमें ज़्यादा मात्रा में इनको लेना पड़ता है, तब जाके अच्छा कलर निकल के आ पाता है। ये देखिए येलो फूड कलर कितना अच्छे से निकल के आया है हमारा। मैंने पानी में मिक्स किया था पाउडर आपके सामने, अभी इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे स्ट्रेन करना है, हमें इसे छानना होगा, क्योंकि जो अंदर पाउडर में डाला था उसका पेस्ट अंदर रह जाता है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और जो नीचे वाला जो कलर है उसको हम अपने डिशेज में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी भी डिश में यूज़ कर लीजिए, बस उसकी जो पानी की मात्रा है आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना कलर में पानी है उस हिसाब से आप उसमें पानी की मात्रा कम कर लीजिए, लिक्विड मतलब कम कर लीजिए, और बाकी का जो लिक्विड है वो आप कलर का यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप इनको इंस्टेंट बनाएंगे तब भी आपको पानी के साथ इनको पीसना है, तब भी आप उसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए और उसमें कलर की मात्रा इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पूरा मैंने पेस्ट निचोड़ दिया है और देखिए आप नीचे येलो फूड कलर कितना अच्छा निकल के आया है, आपको नीचे से दिख रहा होगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारा निकल के आया है, येलो फूड कलर। इसी तरह से हम सभी अपने कलर्स को पानी में घोल करके तैयार कर लेती हूँ, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से हम इनको पानी में घोलेंगे और छान करके फूड कलर हमारा निकल के आ जाएगा और इसको फिर हम डायरेक्ट अपने डिशेज में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने चारों फूड कलर निकाल के तैयार कर लिए हैं। ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है और ये रेड है। मैंने इतने पानी में अपना जितना भी मैंने आपको दिखाया था कलर वो पूरा कलर डाला है, तब जाके ये कलर आया है। तो आपको अगर थोड़ा लाइट कलर चाहिए तो आप थोड़ा कम मात्रा में मिला दीजिए, और अगर आपको अच्छा कलर चाहिए, ऐसा ही ब्राइट कलर चाहिए, तो आपको बहुत सारा पाउडर इसमें मिलाना पड़ेगा, तब ये इतना कलर बनेगा। लेकिन नेचुरल है तो ये बहुत अच्छा है, ये नुकसान नहीं करता है बिल्कुल भी, और इसको आप पाउडर फॉर्म में साल भर तक स्टोर कर सकते हैं
और लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो आपको डायरेक्ट आपको इसको पीस लें। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।